गलती से प्रसाद जी के मुंह से निकला कि हुजूर मैं हिंदी का एक छोटा सा लेखक हूँ, ऐसे देखा लेकिन इतना मैंने महसूस कर दिया बहुत महसूस कर पता ही नर्वस हो गए उनके विराट के कार्यक्रम से विराट ने उनको ऐसे देखा और बैठने के लिए नहीं कहा जबकि उस समय पता ही पूरे देश के हीरो बने थे फिर थोड़ा सा वो करने की कोशिश की उनका हुजूर आपके सारे अच्छे शेर मुझे याद है हम लोग को 15-20 मिनट इंतजार के लिए डाला कि देश में मतलब उनके राज में क्रांति के दरवाजे पर खड़ी है कि तुम लोग कम वक्त में आ जाए चाहिए चीजें तैयार कर लो बोलने के बारे में थोड़ा मैंने तो इतना समझ में आ रहा था कि ये जा रहे थे मतलब उनको और सामने क्रांति खड़ी हुई है खैर किसी तरह से पटाई जी को ला करके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने भैरव जी के हवाले किया भैरव जी ने बहुत डांटा उसके बाद भी कई दिन तक डांटते रहे तो पटाई जी के जो भूलने का समय था वो खत्म हो चुका था लेकिन किसी तरह पटाई जी मंच नहीं पहुंचे मैं पटाई जी का तो अंतर सुगंध आ गए मैं विराट साहब का ये भी बार बार फोन करता हूँ और कहना चाहता था कि उस तरह की डेमोक्रेसी मुझे हिंदी के किसी लेखक में इलाहाबाद में नहीं दिखाई दी निराला जी तो अंतिम दिनों में लगभग उत्सुक थे और जब मैं गया तब तक निराला जी मुझे पूरे काफी समय हो गया था लेकिन पंत और महादेवी दो बड़े नाम हिंदी के थे और मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से किसी के सामने बैठ करके आप उनके खिलाफ उनकी कविता के खिलाफ उनके खिलाफ एक बार भी बोल करके आप दूसरे दिन उनके दरबार में आपका प्रवेश नहीं हो सकता ये केवल विराट के साथ संभव था कि आप शाम को विराट को इंगेज करें विराट आपको भगा दें और फिर वापस आप चले जाए वही जब हम निराला ये सब इलाहाबाद के बाद दिल्ली की तरफ मेरा मैं गया तो ये बात मुझे राजीव यादव क्या दिखाई थे और इस बात से उमर जी अभिषेक जी जरा किशोर जी सब लोग उनके करीब रहे हैं राजीव यादव के साथ एक केवल एक थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगती है वो बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर रखे रहते हैं आपको चेहरे से पता नहीं चलता और वो कब उसका इजाज पुख्ता करेंगे ये थोड़ा अंदाज लगाना मुश्किल है लेकिन एक चीज़ ये है कि आप उनके सामने बैठ करके उनको चाहे जिस तरह से आप उनके बारे में कहते रहिए उनसे असहमति जाहिर करते रहिए बहुत कम उम्र के हो सकते थे आप उनका मजाक उड़ाते रहिए लेकिन राजेंद्र जी आपको ऐसा नहीं होगा कि दूसरे दिन आप जाएँ तो वो आपको उसकी सहजता के साथ आपसे बातचीत ना करें या हो सकता है कि आप घर पहुँचे और टेलीफोन करके ही होगी आपकी तरफ से संवाद स्थापित करेंगे पर एक पर तो मैंने बताया कि ये तो है कि राजेंद्र जी चीज़ों को बहुत सूक्ष्म तरीके से अपने मन में रखते हैं और उसका आप फैसला भी 2-4 साल बाद हो सकता है 2-4 साल बाद कभी उसको निपटने का अपना वो करें पर इस तरह की जो इस तरह का जो लोकतंत्र है ये दिल्ली में विमल जी बहुत सालों से दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली में है एक सहमत होंगे कि हिंदी के किसी बड़े लेखक के आदमी किसी बड़े लेखक के सामने जाकर आप सामने तो छोड़ दीजिए आप उसकी किताब पर अगर कोई बहुत प्रशंसात्मक टिप्पणी का लिखते हुए समीक्षा लिखी जिसमें कमिटी के प्रशंसा करने में या जिसमें कोई आलोचना की गई तो आप ये मान लीजिए कि आप उसके कई पुस्तकों का वार्ता वही हो जाएगा ये बहुत प्रभावित उम्र ये खेल करके आए हैं महिलाओं का ग्रेजुएशन करा के आए महिला विस्ताओं का लेकिन लोग भी रहे थे बहुत ऐसे लिख के आए थे क्योंकि उन्होंने किसी को 10 नंबर से करवा लिया नीचे को पा
तो ये एक खास तरह की अनुदारता है जो शायद हिंदी समाज में मुझे पता नहीं दूसरी भाषाओं के साहित्यकारों में इस तरह की अनुदारता है या नहीं, वो भी जरूर होगी क्योंकि अलग अलग अभी मार्केट के ही कार्य संस्करण पड़ रहा था मार्केट का एक फिल्म जो पैरिस का लगभग उन्हीं बड़ा लिखा था मैं नाम बताव से चल रहा है दोनों ने आपस में शराब खाने में एक दूसरे को चाहे थी और सालों नहीं खोली सिर्फ इसलिए एक दूसरे की रचनाओं पर जो टिप्पणियाँ थी वो बहुत उदारतापूर्ण थी तो ये एक समस्या शायद दूसरी भाषाओं में भी हो लेकिन हिंदी में तो ये खासतौर से बहुत ही बड़ी समस्या है कि अगर आप किसी के सामने तो छोड़ दीजिए अपनी पीछे भी अगर आप किसी के प्रति कोई आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं तो आप एक तरह से उसको अपना शत्रु बना लेते हैं या उससे आपके दोस्ताना संबंध खत्म हो जाते हैं। उनको बहुत सारे अनुभव हैं जब तो जब कल कहा गया तो मेरे बंदी भी नहीं आए क्योंकि ये तो 40 साल के जो है तरह तरह के शेड्स में और तरह तरह की स्थितियों में लेखकों को मैंने देखा है सुबह से लेकर के रात तक अलग अलग रूप में लेखकों को देखा है बहुत सारी शुभताएँ देखी है लेकिन बहुत सारा प्रॉपर भी देखा है जो साहित्य हमारे अंदर एक खास तरह की उदारता भरता है वो भी मैंने देखा है कि और वो हिंदी के उन लेखकों में जो आर्थिक रूप से जो सामाजिक रूप से जो बहुत सुरक्षित थी जो बहुत उन्नत रूप तो धर्म फटे हार स्थिति में थे लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो अगर बयान करने लोगों को मुझे लगता है कंट्रोल हो जाएंगे। मैं जो ये कहकर के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ जो मतलब एक चीज आप अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं कि इलाहाबाद का जो सबसे बड़ा माफिया था भोकर वो आज के सामने मैंने घुटना टेक करके और आज जो उसको होते ये सारा इलाहाबाद इससे काफ्ता के लिए आपसे बता आप तारीख के आपको वहाँ पर माफिया आज दिन में तो ऐसे शेयर करते कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते मतलब वो तो आप बताने लगे आज दिन में कितने लोगों के घर हुए हैं राजिया दंपति को ये अलग करा पाया इसके लिए हमेशा अपने को पूछते रहे कि बहुत सारे लोग घर में भारतीय से लेकर के और जाने तक कितने लोगों को उसने क्या क्या संबंध में चेक कराए हैं ये तो आज तो क्या जैसे सुनाशी है मतलब सुनाशी लेकिन मैं एक बार सोचता हूँ कि आदमी यहाँ पे एक शेक्सपियर का कैरेक्टर है होटेलो में उसका नाम ब्रैंड वो टियागो तो ब्रैंड जो शेक्सपियर का सबसे बड़ा शेक्सपियर जेंसी का सबसे बड़ा भाषाकार है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शेक्सपियर एक बार उदाहरण दे रहा था और शेक्सपियर जेंसी पर एक सवाल आया और वो फेल हो गया तो उसमें बैठने को भाई भी था बैठने इतना बड़ा जो है तो बैठने ही यादों के लिए कहता है कि यादों मोटी पर्सनलिटी करता है निर्देश दुष्टता करता है वो दुष्टता करने के ऊपर कोई लाभ नहीं और जैसे दुकान से सामने चले आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि भाई तरफ से आ रहे अगर आप मुझे बोल के भाई से कैसे आ रहे तो फौरन कहने में मुझे भाई से आ रहा है इस तरह के तरह तरह के जो है आज की का तो अगर सुनाने से पहले तो पूरा एक आप वाणी है मतलब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज की जो सबसे घटिया मनुष्य की आप रचना कर सकते हैं कई बार उससे भी नीचे दिखाई देते कई बार मैं वही जो उदारता की मैं बात कर रहा हूँ आपको जो साहित्य आपको बनाता है कई बार उस तरह के भी तो मैं तो अपनी बात ये कह के खत्म करना चाहता हूँ कि लेखकों के बारे में साहित्यकारों के बारे में आप सब बोलिए आपकी जो ज़्यादातर लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कुछ लिखते भी हैं कुछ बच्चे पाठक हैं जब भी सोचे कि ये मान के चले कि लेखक से हमारा ये हार मार का पुतला है जिस तरह से दूसरा आदमी घटिया हो जाता है इस चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में बहुत प्रपन का परिचय देता है उसी तरह हमारा औसत लेखक उसमें सिर्फ एक ही चीज़ लेखक के जो खिलाफ जाती है जो मैं हमेशा सोचता हूँ वो है लेखक की भाषा लेखक अपनी गिरावट को भी इतनी खूबसूरत तरीके से उसने सजे सवार इतना सजा सवार कर और उतनी वैज्ञानिकता और भागीदारिता की चाष्टी करके अपने अपने को पेश करता है कि
कई बार हमको लगता है ये तो अगर ये आदमी गिरा चुका तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैचारिक कारण, वो एक रिलेटिव पॉइंट है। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरह किसी ग्रंथ के बारे में, किसी लड़ाई के बारे में, किसी मॉडल के बारे में, किसी राजनेता के बारे में हम सोचते हैं, उसी तरह हमें लेखक के बारे में सोचना चाहिए। उधर एक मनुष्य बने रहने का अधिकार देना चाहिए। मैं एक विशेष जानना चाहता हूँ कि आर्थिक लालच के मामले में आपके अनुभव क्या है? बहुत खराब अनुभव। देखिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें फ्री लालचिंग करके आप नहीं जी सकते, एक सम्मानजनक मध्य वर्ग का जीवन आप नहीं जा सकते। इलाहाबाद से दो बड़े नेता कमाए, देखिए आज जितने प्रोग्राम जिसका ये मत कि मेरे मन में कोई अनादर है या तो मैं तो उनको मनुष्य की तरह से पेश करने में वो कर रहा हूँ। मार्केटे जो गणेश मचाए आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से ये लोग झूठ बोलते थे, किस तरह समझौते करते थे और किस तरह से अपना जीवन यापन करते। दोनों ने एक एक पत्रिका पकड़ रखी थी, दो दो चार चार साल में निकलती थी। मार्केटे की भी पत्रिका थी, मार्केटे की पत्रिका वगैरह भी उनके बच्चे उन्हें जीवित भी रखे हुए, कभी दो चार साल कभी कथा का एक आदमी मार्केटे की बढ़िया आया। मटियाली की पत्रिका चाहिए मटियाली के साथ समाप्त हो, लेकिन साल दो साल में ये लोग घोड़ा लेकर के देश भर में करते थे और विज्ञापन के नाम पर पैसा इकट्ठा करते लाते। तो मैं भी चूँकि ऐसी हैसियत में मैं चाहता हूँ विज्ञापन मिला सकता था तो आते थे। मुझे हमेशा ये लगा कि कोई भी नौकरी कर सकते और मैं बुरी बात है कि इसको यहाँ पर दोहराना, लेकिन मैंने दोनों के लिए अलग अलग समयों पर नौकरियों की व्यवस्था की और कहा कि आपको ये ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ने मना कर दिया। मुझे लगता है कि शायद वो एक खास दौर के बाद अगर दसवीं साल आपकी एक खास तरह की जिंदगी बिताने की आपकी आदत हो गया है तो फिर शायद मेहनत करके काम कर देती है, नियमित काम करने के दर्जे पास आप जहाँ नौकरी करने जाएंगे तो आपको बैठाएगा दोस्तों को आता है वो भी समय होगा कुछ आपका आउटपुट का हिसाब रखेगा। ये ज़्यादा अच्छा है कि आप साल में लाखों लाख हजार विद्यार्थियों की घटना करती हो अपना जीवन बिताइए तो आर्थिक रूप से तो बहुत मतलब उसमें मुझे नहीं लगता कि नाम लेना चाहिए, लेकिन आप ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे जो सबसे मतलब ज्यादा एक अखबार हो सकते जिनके बारे में उन्होंने तरह तरह के किस्से सुने और जो ज्यादातर किस्से सही है। महिला के पास तो कभी ज़्यादा पैसा नहीं रहा, लेकिन मैंने वो चिट्ठी देखी है जो जवाहरलाल नेहरू ने सतलाजी हुआ करते थे शायद एक आदमी के टिकट की, अभी तक शायद एक आदमी के 50 वर्ष होने के बाद भारत में अनुवाद कर रहे थे शायद एक आदमी 50 वर्ष का इतिहास वो चिट्ठी मुझे दिखाई थी जिसमें सतलाजी को जवाहरलाल नेहरू ने मिला था लड़की करके उन्होंने कहा एक आइडिया सतलाजी इलाहाबाद में निराला नाम का एक कवि रहता है जिसको आर्थिक रूप से बहुत बहुत संकट ही था बहुत बड़ा कवि जो जाए जवाहरलाल नेहरू था उनका इसको ऐसा करो कि मौलाना आजाद से बात मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री है मौलाना आजाद से बात करके 100 रुपये की पेंशन मुकदम कराओ 100 रुपये नहीं है 100 रुपये आप देखिए 30 में जो आज के बदलाव के आसपास होगा, लेकिन ये पैसा मिलाना को नहीं मिला के ये पैसा मारे वर्मा को मिला के जो उनकी जरूरत के मुताबिक पैसा उनको दे दिए। आप उसे कल्पना कर सकते हैं कि 100 रुपये अगर आपने मिराला को दे दिया मिराला जो कम करते बड़े हाल थे वो बनता है 100 रुपया दूसरे बाहर करते तो मुंडा दिखाई देता है उसके हाथ में रखते चले जाए तो निराला तो एक मतलब बड़े लोगों में एक अखबार नजर आते हैं। बाकी नाम लेने का कोई वो नहीं, लेकिन आज किसी भी बड़े आदमी का जो हमारे राइट के शीर्ष पर बैठे हुए हैं आप जिक्र करिए तो हो सकता है कोई मेरे पास भी कोई अनुभव या संस्कार हो। मैं ये कह सकता हूँ कि आपके को मतलब आदमी बहुत ईमानदार मिल जाए, लेकिन फिर जब हम इसकी जब इसका लेखा जोखा रखते हैं तो फिर हमें उसको वो भेद मार देना चाहिए मनुष्य को देना चाहिए कि हमने तो ज़्यादातर लोग इच्छुक हो जाते हैं आर्थिक जरूरत पर मजबूरियों पर बहुत कम लोग अपना एक बनाए रख सकते हैं तो आर्थिक रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। बताया जो लेखक मेरे निराले हैं जो उनमें से एक गिरी थी उनको मैंने हाथ फैला कर लिया और एक मोहन राकेश थे
हम उनको मिलने जाते तो राकेश जी हम अपने घर से क्या करते थे, टैक्सी बना दी, टैक्सी के पास हमें लेना पड़ता, लेकिन राकेश जी का सर अपने जीवन में करते अपने बढ़िया जुड़ू मिले थे, बढ़िया रहते रहते थे, और वो नौकरी करने के साथ साथ वो पहले अपना क्या पत्र अपने जेब में रखते रहते, उसने बागवानी नहीं तो वो नहीं पहुँचते शायद अकेले लेखक के लिए एक ही रहते, और दूसरे लेखक अभी भी जीवित हैं, लंबी बॉन्ड है, वीडियो लिखते हैं और वो बिल्कुल इनाम है।